नो सावरे, अब तो मुझे अपने वाले पे शक होने लगा है। ये ऐसी बातें अचानक से तो कोई नहीं करता ना, लगता है बहुत एक्सपीरियंस है ना। एक्सपीरियंस तो है इंटरनेट सर्च करने का, रोज ना ऐसी ऐसी लाइंस ढूंढ के लाता हूँ ताकि आपको इम्प्रेस कर पाऊँ, और आप इम्प्रेस हो भी जाती हैं। शो हुआ, आप लोग समय पे सारी तैयारियां करके आ गए हैं। ये मेरे मौसेरे भाई सा और भाभी सा है, और ये जमाई सा के पापा जी, मम्मी जी है। भाभी सा, भात भरने की रस्म शुरू कीजिए। हाँ। आओ मिताली, आओ जा, आरती का थाल लेकर आ जा। भाभी सा, आप शगुन की चुनरी उड़ा दीजिए। बस किसी की नजर ना लगे। आज मैं अगर तुझसे कुछ मांगू तो तू मुझे देगी दीदी? तू कैसी बात कर रही है, तू बस मांग के तो देख, मैं अपनी हर चीज तेरे नाम कर दूंगी। तू चिराग को मेरे नाम कर दे। जानवी, इतने दिनों से मैं रोज इसी डर में जी रहा था कि पृथ्वी ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगा, आज वो डर सच हो गया। हिम्मत कैसे हुई तेरी ये बात भी कहने की? इतनी गंदी बात तेरी जुबान पे तो क्या, तेरे दिल में भी कैसी आई जानवी? तू पृथ्वी भैया से प्यार करती रही, तेरी उनसे शादी होने वाली है जानवी, तू मेरे पति के बारे में सोच भी कैसे रखती है? मैंने बचपन से तुझे अपनी हर चीज पे हक दिया है, पर इतना याद रखना कि डॉक्टर साहब एक इंसान, और आज तूने सुहाग को सामान बोलकर बहुत बड़ा पाप किया, और ये पाप सावरा तो क्या, ये सावरी भी माफ नहीं करेंगे। मैं अभी जाके बाहर सबको बता दूंगी, अगर तेरे मन में यही है ना जानवी, तो मैं तुझे पृथ्वी भी अकेला ही बर्बाद नहीं करने दूंगी। ये क्या बदतमीजी है जानवी, तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो? तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, नहीं, तुम्हें तो नहीं लगी ना बेबी। मेरी बहन मजाक में भी मुझे हर्ट नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन उसने थप्पड़ थोड़ा जोर से मार दिया। आउच दीपिका। हाय चीजा जी, आप मुझसे मिलने आए? तुम्हें लगता है वो सो कॉल्ड मजाक करके तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया जानवी? अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना तुम, बट यू नो व्हाट, अभी जो तुमने किया ना, मैं उसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था। मतलब ये कि आज से पहले मैं तुम्हारी सच्चाई सिर्फ इसलिए छुपा रहा था क्योंकि मैं दो जनों को हर्ट नहीं करना चाहता था, पहला पृथ्वी और दूसरी दीपिका जी। लेकिन जो तुमने आज बेहुदा मजाक किया है, उसके बाद ना मुझे पता चल गया है कि उन दोनों में से एक इंसान बहुत स्ट्रांग है। लेट मी रिमाइंड यू, शायद आप भूल गए, आपका भाई मेरे लिए जान देने वाला था। लेट मी रिमाइंड यू, मैं ना दीपिका जी की बात कर रहा हूँ कि वो बहुत स्ट्रांग है, जिसे तुम वीक कह रही हो ना, उसको तो दीपिका जी ने बचा लिया है, और जो कुछ भी आज उन्होंने कहा उसके बाद प्रूव होता है कि वो तो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगी, और मैं तो हूं ही। एंजॉय योर इवनिंग। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।